Hello everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is safe and doing very good today. And as always, I have come up with some new video on my channel. और ये video बहुत ज़्यादा creative होगा. And this will be a very fun activity that we will be doing in our lockdown. तो आम का season almost ख़त्म होते आया है. And मैंने बहुत सारे आम खा लिए क्योंकि that's my favorite fruit. And I know आप सब ने भी खाए होंगे. तो इसका जो ये क्रेट है, आई डोंट वॉन्ट टू थ्रो दैट अवे, मुझे ये फेंकना नहीं है. एंड मैंने सोचा इससे मैं कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाऊंगी जो घर पे यूजफुल होंगी. एंड आई विल बी शोइंग दैट टू यू इन दिस वीडियो. आप भी ये सब ट्राई कर सकते हैं. इसके लिए मैं और दो क्रेट यूज़ करूँगी, दो बॉक्सेस. यू कैन यूज़ जस्ट 1, 2, 3 डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ के लिए यू आर यूजिंग दैट. तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली हम लोग इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल राइट, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट टू द वीडियो. तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं करने के लिए. सो देयर आर दीज 3 क्रेट्स, अ सैंड पेपर, फिर कुछ ब्रश और पेंट है. दिस इज़ अ गोल्डन ब्राउन कलर पेंट एंड कुछ कील या नेल्स एंड और एक लिक्विड दिया था मुझे उन्होंने कारपेंटर के शॉप से. दिस इज़ कॉल्ड टर्पेंटाइल. अगर आपका जो पेंट है वो गाढ़ा हो जाता है तो उसको वापस कंसिस्टेंट या लिक्विडिफाई करने के लिए वी हैव टू यूज़ पुट दिस लिक्विड इन दैट. ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग इसको घिस के लेंगे ये सैंड पेपर पे, ताकि ये जो सारा सरफेस है वो सब प्लेन एंड स्मूथ हो जाएगा एंड उस पर पेंट बहुत अच्छे से बैठ पाएगा. यू कैन ऑल्सो स्किप दिस स्टेप, बट येस फॉर गुड रिजल्ट यू कैन एनी टाइम डू दिस. मैंने ये मास्क डाला है क्योंकि ये जो इसका उड़ रहा है ना, दैट इज़ गोइंग इनटू द नोज एंड उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है. सो आई हैव पुट द मास्क. मेक श्योर यू ऑल्सो डू द सेम एंड प्लीज़ बी सेफ वाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स प्लीज. So finally we are done with this cleaning and now what we need to do is paint all these and we are going to put 2 coatings. So this is golden brown color, ताकि इसको suit हो जाए इसलिए हमने वो लिया था. अब हम लोग painting start करेंगे and I'm sure this will be fun because मुझे painting बहुत पसंद है, इसलिए इसमें भी मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा. So let's start now. प्यारा दिख रहा है ना. दिस इज फन, वेरी वेरी फन. ना अब मजा आ रहा है. पहली जो स्टेप थी जिसमें वो घिसना था, ट्रस्ट मी दैट वॉज लाइक टू मच. लेकिन वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू, ताकि एजेस जो है वो स्मूथ हो जाए एंड लगे ना हमारे हाथ में, इसलिए आई डिड नॉट वॉन्टेड टू स्किप दैट स्टेप. बट थोड़ा सा मेहनत लिया, आधा घंटा, 20-25 मिनट्स लगा उसमें एंड नाउ इट्स वेरी नाइस. अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे ये करने में.
ये देखो मेरे हाथ पैर इतने ख़राब हो गए, लेकिन दैट वॉज वर्थ इट, मज़ा बहुत आ गया। एंड पेंटिंग सब कुछ हो गया है, सारे के सारे प्रिंट्स पेंट हो गए, ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द वर्क इज़ डन। तो कल सुबह हम लोग इसका सब अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि पेंटिंग सब अच्छी तरह से हो गए अभी, एंड आई विल कीप इट ओवर नाइट ताकि वो अच्छे से सूख जाए, एंड देन वी विल डू द अरेंजमेंट। आई विल शो यू एवरीथिंग सो द व्लॉग कंटिन्यूज टुमारो मॉर्निंग। हाय, सो फाइनली पूरी रात रखने के बाद में हम लोग ये क्रेड्स चेक करने आए हैं, एंड आई कैन सी दैट उनका पेंट सूख गया एंड दे लुक वेरी गुड नाउ। अब टाइम है इसका अरेंजमेंट का। तो ऐसे अलग अलग तरह से आप अपने मैंगो क्रेड्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट जस्ट वन, यू कैन मेक थिंग्स विद टू ऑफ देम, ऑल्सो थ्री ऑफ देम। सो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी क्रेड्स यू हैव एंड वॉट यू वॉन्ट टू मेक एग्जैक्टली। सो ये चीज़ें मैंने दिखाई है। यू कैन ऑल्सो मेक मच मोर अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू थिंक अ बिट मोर। ऑलराइट, सो आई होप यू लव दिस इन्फॉर्मेशन एंड लव दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू।